हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा, जो क्लास 12th यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12th के, जो आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12th में जो पेपर आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से वन वर्ड समर सिचुएशन से एक दो क्वेश्चन आते हैं। उसमें हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले हमने जो वन वर्ड समर सिचुएशन का वीडियो जो हमने किया था, उसमें हमने एक से लेकर 20 क्वेश्चन तक यानी 20 क्वेश्चन हमने देखा था। आज फिर से इस वीडियो में हम आपके लिए 20 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, जिसमें 1 से लेकर 20 तक का वन वर्ड समर सिचुएशन मिलेगा और इसमें आपको 21 से लेकर 40 तक इस वीडियो में मिलने वाला है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो आइए देखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी काम हो जाएगा। देखिए क्या पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कि अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एन प्रिपरेशन, यानी एक ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन का दिया जाता है, यानी बिना तैयारी का। होता है ना कि हम कुछ स्पीच जो भाषण वगैरह हम देते हैं, कुछ स्पीच देते हैं, तो कुछ ऐसा स्पीच देते हैं जिसको हम पहले से तैयारी किए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी स्पीच होता है जिसका हम पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं किए होते हैं, डायरेक्ट हम किसी मौके पर बोल देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उस स्पीच को क्या जाता है? याद रखिएगा एक्सटेम्पर, याद रखिए क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेम्पर। ठीक है, बिना तैयारी का जो भाषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर बोलते हैं। और इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, एक्सटेम्पर। बिना तैयारी के भाषण को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिए डिबेट, आप जानते हैं डिबेट मतलब होता है दो आदमी के बीच क्या होना, बातचीत होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए उसके बाद क्या है, डिक्लेमेशन। तो डिक्लेमेशन भी आप जानते हैं, बड़ा आसान है डिक्लेमेशन के बारे में। डिक्लेमेशन है कि जब हम कोई चीज, कोई ऐसा भाषण जो पूरी भावनाओं के साथ हम देते हैं, ठीक है, पूरी भावनाओं के साथ जब हम कोई भाषण देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, और मोनूमेंट तो आप जानते हैं, मोनूमेंट क्या होता है, स्मारक होता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेम्पर, यानी बिना तैयारी का दिया हुआ भाषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए यह कि मैटर रिटेन बाय हैंड, एक ऐसा मैटर जो हाथ से लिखा गया, तो याद रखिएगा हाथ से लिखा हुआ मैटर को हम क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाथ से लिखा हुआ जो हाथ से लिखा हुआ जो मैटर होता है उसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी हस्तलिपि जिसको कहते हैं, हाथ से लिखा हुआ जो लिपि होता है। ठीक है, और स्कल्पचर याद रखिएगा, मूर्तिकार बोलते हैं स्कल्पचर को, और इंस्क्रिप्शन जाते हैं आप, शिलालेख होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, शिलालेख, शिला वाला पर जब बड़े बड़े पत्थरों को हम लिखते हैं। ठीक है, और मोनूमेंट तो आप जानते हैं स्मारक होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा इसका मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ये गवर्नमेंट बाई वन पर्सन क्या होता है, तो याद रखिए डिक्टेटरशिप, क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जब कोई एक आदमी शासन चलाए तो उसको हम डिक्टेटरशिप, तानाशाही बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डिक्टेटरशिप। वैसे अब हम डेमोक्रेसी मतलब आप जानते हैं लोकतंत्र होता है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो कोई ऑफिसर लोग चलाते हैं, और एरिस्टोक्रेसी आप जानते हैं कुलीन तंत्र होता है, कुलीन तंत्र। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डिक्टेटरशिप, तानाशाही, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, याद रखिएगा डिक्टेटरशिप। ठीक है, और डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं लोकतंत्र होता है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो नौकर लोग चलाता है, ऑफिसर लोग, और एरिस्टोक्रेसी आप जानते हैं कुलीन तंत्र, कोई बड़े धनी क्लास के लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24, आपको दिख रहा होगा क्या है, देखिए आइए समझते हैं इसको। अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या है, अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं का जब कहीं पर पब्लिक शो लगाया जाता है, यानी बहुत सारी वस्तुएं उसको बाहर में स्टॉल लगा देते हैं और पब्लिक शो लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन बोलते हैं। याद रखिएगा अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं का जब लोगों को प्रदर्शनी के लिए जब कोई सामान लगाया जाता है तो उसको हम एग्जीबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ए है, 24 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट।
है, ठीक है। वैसे सेल मतलब बेचना होता है, जू मतलब चिड़ियाघर होता है, और एक्वेरियम मतलब जानते हैं मछली को रखने वाला जो घर होता है, जहाँ मछली रखा होता है उसको हम एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी वो व्यक्ति जो एक ही समय में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी, समकालीन, एक समय में रहने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका क्या सही आंसर होगा, कंटेम्परेरी, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कलीग्स मतलब जानते हैं आप सहकर्मी, आपके साथ साथ किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी डिपार्टमेंट में साथ साथ काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कलीग्स बोलते हैं। एंसेस्टर क्या होता है आपको ये भी पता है, पूर्वज होता है, और फोर फादर्स मतलब ही क्या होता है, पूर्वज होता है, ठीक है। तो ये सब पता है, इसका सही आंसर क्या होगा, कंटेम्परेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे देखिए, आइए समझते हैं। वन हु लव्स वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेट्रियोट, देशभक्त, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो पेट्रियोट है, देशभक्त। वैसे हम इसका मीनिंग बता देते हैं, रिवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी, ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, जो देश के खिलाफ काम करता है उसको ट्रेटर बोलते हैं, और एम्बेसडर तो आप जानते हैं क्या होता है, राजदूत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वैसे सही आंसर कौन सा है, पैट्रियोट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ह्यूमन अफेयर्स, यानी स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी जब लोगों के ऊपर जब वही तारों का प्रभाव यानी ग्रहों का प्रभाव के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, याद रखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते हैं, तो आपको पता है ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, यानी ग्रह वगैरह का जो चक्कर होता है, नक्षत्र वगैरह का, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी, इसका सही आंसर है। और बाकी वर्ड्स का भी हम आपको हिंदी समझा देते हैं, एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र, जो चंद्रमा वगैरह का अध्ययन करता है, तो खगोल शास्त्र। जूलॉजी आप जानते हैं, और बायोलॉजी आप जानते हैं, जीव विज्ञान और जूलॉजी जानते हैं आप, मतलब बायोलॉजी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, बोटनी और जूलॉजी। तो जीव जंतु का जो अध्ययन होता है उसको जूलॉजी कहते हैं, और बोटनी जो वनस्पति विज्ञान होता है, और बायोलॉजी मतलब पूरा जीव विज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 आइए इसको समझते, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्पीकिंग अलाउड, क्या होगा, स्पीकिंग अलाउड व्हाइल एलोन, जब आदमी अकेला होता है, और अकेला आदमी जब अकेले में कोई आदमी बात करे, व्हाइल एलोन लिखा है ना, स्पीकिंग अलाउड, अकेले में जोर से बोलना, जोर से बोलना, अकेले बैठा और जोर से बोल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी, मतलब होता है सोलिलोक्वी का मतलब होता है एकांत में बात करने वाला, अकेले में बात करे, ऐसा व्यक्ति होता है जो अकेले बैठा रहता है और फुसफुसाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है अकेले में, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी, मतलब अकेले में बात करने वाला व्यक्ति को हम सोलिलोक्वी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये बात आप याद रखिएगा, सोलिलोक्वी क्या होता है, अकेले में बात करने वाला। अब है ठीक है, और प्रोलॉग क्या होता है, और डायलॉग, डायलॉग तो आप जानते हैं, डायलॉग क्या होता है, जब हम कोई बात, जब वार्ता वैसे बोल सकते हैं कि जब हम कोई भाषण वगैरह देते रहते हैं उसमें अपना डायलॉग देते रहते हैं उसको वार्ता बोलते हैं। प्रोलॉग याद रखिएगा, प्रोलॉग क्या होता है, प्रस्ताव होता है, इसको बोलते हैं प्रस्ताव। और इपीलॉग क्या होता है, तो उपसंहार, ये क्या होता है, इपीलॉग उपसंहार होता है, उपसंहार। तो वैसे हमारा इस क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सोलिलोक्वी, अकेले में बात करने वाला, स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन, जब अकेला हो तो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, आइए इसको समझते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी जब बहुत सारे ऑफिशियल्स यानी नौकर मिलकर के कोई शासन चलाए, सरकार चलाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जब नौकर लोग मिलकर के सरकार चलाए तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे डेमोक्रेसी आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, लोकतंत्र होता है, एरिस्टोक्रेसी भी आप जान चुके हैं कुलीन तंत्र होता है, और ऑटोक्रेसी भी जानता है एक तंत्र होता है, अकेला कोई आदमी शासन चलाए, एक तंत्र, ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी, याद रखिएगा, 29 का बी सही आंसर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है,
वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट, भाषाविद। क्या कहते हैं, भाषाविद। इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी लिंग्विस्ट इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, लिंग्विस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा भाषा जानता है। तो यही हुआ कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा भाषा जानता है उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट, भाषाविद। ठीक है, वैसे याद रखिएगा बायलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा में बोलने वाला, जैसे कोई भी काम, जैसे अभी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो उसको बायलिंगुअल बोलते हैं। और फिलोसफर आप जानते हैं दार्शनिक होता है, फिलोसफर क्या होता है, दार्शनिक, ये तो आपको पहले से पता है। और नरेटर भी आप जानते हैं, किसी चीज को नरेट करने वाला, बताने वाला, उसके बारे में जानकारी देने वाला। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द लाइफ स्टोरी, याद रखिएगा द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास होता है वह जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। याद रखिएगा बायोग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा जीवनी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जीवनी बोलते हैं, जीवनी। यानी जब किसी भी आदमी का जीवनी किसी थर्ड पर्सन दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए तो उसको हम जीवनी बोलते हैं, बायोग्राफी। ठीक है, और याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब व्यक्ति अपना जीवनी खुद लिखे उसको हम आत्मकथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मकथा, जब अपनी जीवनी खुद से लिखे तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और कैलीग्राफी क्या होता है, सुलेख होता है। क्या होता है, सुलेख, यानी सुंदर हैंड राइटिंग, जब कोई आदमी सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है सुंदर सुंदर अक्षरों में तो उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। याद रखिएगा सुलेख मतलब अच्छे अच्छे मतलब अच्छा सजा के हैंड राइटिंग लिखना, तो कैलीग्राफी होता है। और ऑटोग्राफी, तो ऑटोग्राफी जानते हैं, ऑटोग्राफ, जब किसी से व्यक्ति से हम ऑटोग्राफ लेते हैं, जब कोई बड़े महान व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका हम साइन करवाते हैं किसी पेज पर, तो उसको हम ऑटोग्राफी बोलते हैं। वैसे याद रखिएगा इसका सही आंसर कौन सा है, बायोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 स्टडी ऑफ मेन काइंड क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा स्टडी ऑफ मेन काइंड कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, यानी मानव का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी इसका सही आंसर है। वैसे पैथोलॉजी आप जानते हैं, जो आपकी बीमारी उमारी का जो आप जानते हैं किसी डॉक्टर के पास तो आप जांच करवाते हैं, यानी आपके पास जो रोग वगैरह होता है तो रोगों के जांच के लिए क्या होता है, पैथोलॉजी। ठीक है, और फिजियोलॉजी आप जानते हैं, फिजियोलॉजी होता है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है उसके बारे में जो अध्ययन होता है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। और फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी होता है भाषा शास्त्र। याद रखिएगा फिलोलॉजी क्या होता है, भाषा शास्त्र होता है, भाषा शास्त्र। ठीक है, तो वैसे याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या होगा, डी एंथ्रोपोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, यानी एक खास प्रकार के रेस का जब उसका विनाश किया जाए, मारा जाए, हत्या किया जाए, रेशियल नस्ल आधारित जो हत्या किया जाए, किसी एक खास प्रकार के नस्ल का इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक खास प्रकार के नस्ल के ग्रुप का मारा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनोसाइड, यानी किसी एक प्रकार के रेशियल जो डिस्ट्रक्शन होता है, एक प्रकार के रेस को यानी एक प्रकार के नस्ल के लोगों को मारा जाए, हत्या किया जाए तो उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वैसे हम होमिसाइड बता देते हैं आपको, होमिसाइड का मतलब होता है मानव का हत्या करना, मनुष्य का हत्या करना, फ्रेट्रीसाइड मतलब होता है भाई का हत्या करना, और रेजिसाइड मतलब होता है राजा का हत्या करना, राजा का हत्या करना। ठीक है, साइड का मतलब ही होता है हत्या करना, जहां भी साइड आए, ये वर्ड आए जहां भी साइड, तो याद रखिएगा साइड का मतलब ही होता है कि वहां पर क्या हो रहा है, हत्या हो रहा है। ठीक है, साइड मतलब हत्या, तो रेजिसाइड मतलब राजा का हत्या, फ्रेट्रीसाइड भाई का हत्या, होमिसाइड मनुष्य का हत्या, जीनोसाइड मतलब एक खास प्रकार के नस्ल का हत्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन, वेलफेयर ऑफ वोमेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो महिला के कल्याण के लिए काम करे, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, और किसके कल्याण के लिए, महिला के कल्याण के लिए काम करे, तो वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याण होता है। तो क्या होगा उसका, फेमिनिस्ट, मानव महिलावादी, यानी जो महिला नारीवादी जिसको हम बोलते हैं, जो महिला के कल्याण के लिए काम करता है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, फेमिनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वैसे याद रखिएगा फेमिनिन मतलब होता है महिलाओं से संबंधित, और इफेमिनेट मतलब होता है स्त्रैण, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्त्रियों का गुण आ जाए उसको हम इफेमिनेट बोलते हैं, स्त्रैण। और फ्लेम व्हाइट मतलब याद रखिएगा चमकीला, जो आकर्षण का केंद्र हो,
मतलब इसको आप बोल सकते हैं चमकीला, जो किसी चीज के आकर्षण का केंद्र हो, सब उसके प्रति आकर्षित हो, तो फ्लेम वायंट क्या होता है, चमकीला। वैसे सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फेमिनिस्ट, नारीवादी, जो नारी के लिए काम करे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, इसको समझिए ये क्या है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखिए, अ सडन रश ऑफ विंड, यानी क्या हुआ इसका, देखिए जरा समझते हैं। ये है हमारा, ठीक है, सडन फीलिंग ऑफ रश, सडन फीलिंग ऑफ रश, ठीक है, याद रखिएगा, यह सडन फीलिंग ऑफ रश, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सडन फीलिंग ऑफ विंड क्या कहलाते हैं, यानी हवा का जो अचानक झोंका आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, याद रखिएगा, हवा का सडन रश ऑफ विंड, यानी हवा जो अचानक आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, झोंका, झोंका, गस्ट बोलते हैं, याद रखिए, क्या बोलते हैं, गस्ट। यानी इसका सही आंसर कौन हुआ, सी, ऑप्शन नंबर सी, 35 का सही आंसर है, गस्ट मतलब होता है हवा का जो सडन रश ऑफ विंड, झोंका इसको हम बोलते हैं। वैसे याद रखिएगा, गेल मतलब भी आंधी होता है, टाइफून मतलब भी आंधी तूफान होता है, और स्टॉर्म का मतलब भी आंधी तूफान होता है, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा, गस्ट, यानी सडन रश ऑफ विंड, 35 का सही आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 36 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वन हु टैक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएल्टी, मतलब एकदम जो हु टैक्स डिलाइट इन क्रुएल्टी, मतलब एकदम निर्दयता के टाइम में जो क्या करे, खुश कर दे, जो खुश रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एनआर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैडिस्ट, क्या होता है, सैडिस्ट, याद रखिएगा, सैडिस्ट मतलब नास्तिवादी, याद रखिएगा, सैडिस्ट। लेकिन हमारे पास एक दो वर्ड है, एनआर, एनआरकिस्ट मतलब क्या होता है, अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाए, किसी भी सरकार कानून को नहीं माने और अराजकता फैलाए। सोफिस्ट मतलब क्या होता है, जटिल, क्या होता है, जटिल, याद रखिएगा, जटिल। और निहिलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नास्तिवादी, बेकार हो, बर्बादी की तरफ हमेशा जाए, तो उसको कहते हैं। लेकिन हमारा इसका जो सही आंसर है वो सैडिस्ट सही होगा, आंसर इसका 36 का, याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 37 देखिए क्या, ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एन एक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ विंड, यानी एन एक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ, सॉरी, गुड लक, एन एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं किया गया था, और वो स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यानी एक ऐसा अचानक कोई मतलब ऐसा काम हो जाए जो उसके जीवन धन्य हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कोई लॉटरी लग जाए, कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज मिल जाए जो इंसान अचानक उसके लगे कि क्या हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं विंड फॉल, इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, विंड फॉल, मतलब अचानक धनों का बरसात हो जाए, कोई ऐसा चीज मिल जाए, कोई ऐसा लॉटरी लग जाए कि आदमी करोड़पति बन जाए, उसको विंड फॉल बोला जाता है, याद रखे, याद रखिएगा, 37 का बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा विंड फॉल, यानी एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक क्या कहलाता है, विंड फॉल कहलाता है, ठीक है। फॉर्चून मतलब याद रखिएगा भाग्य होता है, बुन मतलब श्राप होता है, याद रखना है आपको, बुन मतलब क्या होता है, श्राप होता है, और ब्रेक थ्रो का मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा, ब्रेक थ्रो मीन्स होता है दरार, क्या होता है, दरार किसी चीज में टूट, तो वैसे सही आंसर इस क्वेश्चन का सही हुआ विंड फॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या, 38 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा सिंपल, देखिए ये भी क्या है, अ पर्सन, अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करे, क्या करने में, ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ने में, यानी कानून को तोड़ने में आपको मदद करे, तो हम क्या बोलते हैं, एकम्प्लिस, एकम्प्लिस, यानी जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी कानून को तोड़ रहे हैं और आपको उसमें मदद कर रहा है, मतलब उकसा रहा है कि ये करो, जबकि कानून जो है गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध में, लेकिन फिर भी वो आपको उकसा रहा है, आपको मदद कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकम्प्लिस, यानी गैर कानूनी काम में आपको मदद करे, उसे एकम्प्लिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एकम्प्लिस, ऐसा साथी जो आपको गलत काम में साथ दे। वैसे याद रखिएगा, स्पाई मतलब होता है जासूस, कोलाबोरेटर मतलब होता है सहयोगी, याद रखिएगा, कोलाबोरेटर मतलब क्या होता है, सहयोगी, और अलाय मतलब क्या होता है, साथी, क्या होता है, अलाय मीन्स साथी, याद रखिएगा, अलाय मीन्स साथी, दोस्त, ठीक है। तो ऐसे सही आंसर क्या हुआ 38 का, एकम्प्लिस, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी दूसरा आदमी कोई कुछ लिखता है और उसकी जो लिखी हुई चीज को हम कॉपी कर चुरा लेते हैं, यानी स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की साहित्य को क्या करना, चोरी करना, दूसरे व्यक्ति ने किसी कोई चीज लिखा और हमने उसका क्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो साहित्य की जो चोरी होता है वो इंग्लिश में कहलाता है प्लेजियारिज्म। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लेजियारिज्म, याद रखिएगा, साहित्यिक चोरी प्लेजियारिज्म होता है, सही आंसर क्या होगा,
तीन नंबर ठीक। अब देखिए कॉपिंग होता है किसी दूसरे चीज का नकल करना, रिफ्रेमिंग यानी किसी चीज को दोबारा से तैयार करना दोबारा, और रिप्रोड्यूसिंग का मतलब यही होता है दोबारा से उसको उत्पन्न करना उत्पादन करना ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब किसी चीज की लिखी हुई चीज को हम कॉपी करते हैं चुराते हैं तो उसको प्लैजियारिज्म बोलते हैं, तो सही आंसर क्या होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज रिजर्व इन टॉक्स, यानी ऐसा व्यक्ति, रिजर्व इन टॉक्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, रिजर्व इन टॉक्स बहुत कम बोलता है, कभी कभार बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं रेटिसेंट, याद रखिएगा क्या बोलते हैं रेटिसेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको अल्पभाषी, यानी ऐसा व्यक्ति जो कम बोले तो उसको क्या बोला जाता है अल्पभाषी, कम बोले वाला लोग ठीक है, याद रखिएगा जो कम बोले। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए पर्सन हु इज रिजर्व इन टॉक्स का मतलब हुआ रेटिसेंट, क्या होगा रेटिसेंट ठीक है। वैसे साइलेंट मतलब होता है चुप, याद है, और गैरुलस मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बोलता है, मतलब ये रेटिसेंट का क्या हो गया अपोजिट वर्ड हो गया, रेटिसेंट का अपोजिट यानी विपरीत हो गया रेटिसेंट का ठीक है। गैरुलस मतलब बातूनी, और मेंडिकेंट मतलब होता है भिखारी, क्या होता है भिखारी, भीख मांगने वाला तो भिखारी, मेंडिकेंट भिखारी होता है। सही आंसर इसे क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ए रेटिसेंट ठीक है, जो कम बोले। चलिए तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अगर आज का सेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर।